हाँ जब मैं शूटिंग नहीं करता हूँ तो मैं थोड़ा लेजी हूँ, थोड़ा मैं मोटा हो जाता हूँ, लेकिन मैं करीबन 20 किलो कम करने वाला हूँ हाँ इस रोल के लिए। नहीं मेरा कोई बर्थडे रेजोल्यूशन नहीं है। फैंस के लिए कोई अनाउंसमेंट है? किसके लिए? फैंस के लिए। फैंस के लिए हाँ बोला था मार्च में आप मूवी अनाउंस। मैंने बोला हाँ मैंने बोला था हाँ हाँ, तो मैंने मेरे पास अनाउंसमेंट है अपने फैंस के लिए और मीडिया के लिए। जो मेरी अगली फिल्म जो मैं कर रहा हूँ वो हम लोग ने फाइनलाइज कर ली है और उसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। और ये लाल सिंह चड्ढा जो है इट इज़ बीइंग मेड बाय वायकॉम एंड आमिर खान प्रोडक्शंस टुगेदर। इसके डायरेक्टर होंगे अद्वैत चंदन जिन्होंने बनाई थी सीक्रेट सुपरस्टार। और ये एक अंग्रेजी फिल्म आई थी हॉलीवुड की फॉरेस्ट गंप, उसका अडेप्टेशन है। वी हैव बॉट द राइट्स फ्रॉम पैरामाउंट, तो पैरामाउंट इज ऑल्सो विद अस ऑन दिस, वायकॉम इज विद अस, और हम लोग फॉरेस्ट गंप का जो अडेप्टेशन है वो बना रहे हैं और टाइटल है लाल सिंह चड्ढा। ये तो अभी आप स्क्रिप्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आई एम प्लेइंग द लीड रोल ऑफ लाल सिंह। सॉरी नॉट डिसाइडेड, नॉट डिसाइडेड। वी हैव स्टार्टेड द प्रेपरेशन, तो प्रेपरेशन शुरू हो गई है। हम लोग शूटिंग शुरू करेंगे अक्टूबर में। अभी 6 महीना मेरा प्रेप चलेगा, मुझे अपना वजन कम करना है टू गेट रेडी फॉर द रोल, सो आई विल बी लूजिंग 20 किलोस। निशान झालं, निशान चल यार साहेब साहेब साहेब। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बात है वाह नाइस। हेलो कार्तिक बाजू बोले वाह पानी बाबू नाही नाही परत नाही परत नाही मला भेटला साहेब इकडे अरे अरे थोड़ा सा खाली समोर मैम योर सेंटर मैम फ्लैश मार आपका अरे सर इधर 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 देखो इधर देखो सब देख रहे हैं मेरे को मत काट आराम से आराम अरे दादा
की तैयारी करें, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर मैं वो आप लोग इसके बारे में रूमर्स फैलाते रहते हैं मैंने तो कभी कुछ बोला नहीं इसके बारे में। बहुत बार पैशनेटली हमें बताया प्रोजेक्ट के बारे में, इस वक्त मैं यही कर रहा हूँ, तो आप मेरा ध्यान अभी इस वक्त सिर्फ इसी पे है, लाल सिंह चड्ढा। नहीं मैंने तो कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी, मैंने तो अभी तक एक ही अनाउंसमेंट किया, यही कर रहा हूँ मैं, लाल सिंह चड्ढा। नहीं मेरा कोई बर्थडे रेजोल्यूशन नहीं है। फैंस के लिए कोई अनाउंसमेंट है? किसके लिए? फैंस के लिए। फैंस के लिए हाँ बोला था मार्च में आप मूवी अनाउंस। मैंने बोला हाँ मैंने बोला था हाँ हाँ तो मैंने मेरे पास अनाउंसमेंट है अपने फैंस के लिए और मीडिया के लिए, जो मेरी अगली फिल्म जो मैं कर रहा हूँ वो हम लोग ने फाइनलाइज कर ली है, उसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। और ये लाल सिंह चड्ढा जो है इट इज़ बीइंग मेड बाय वायकॉम एंड आमिर खान प्रोडक्शंस टुगेदर। इसके डायरेक्टर होंगे अद्वैत चंदन, जिन्होंने बनाई थी सीक्रेट सुपरस्टार। और ये एक अंग्रेजी फिल्म आई थी हॉलीवुड की, फॉरेस्ट गंप, उसका अडेप्टेशन है। वी हैव बॉट द राइट्स फ्रॉम पैरामाउंट, तो पैरामाउंट इज़ ऑल्सो विथ अस ऑन दिस, वायकॉम इज़ विथ अस, और हम लोग फॉरेस्ट गंप का जो अडेप्टेशन है वो बना रहे हैं, और टाइटल है लाल सिंह चड्ढा। ये तो अभी आप स्क्रिप्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आई एम प्लेइंग द लीड रोल ऑफ लाल सिंह। या सॉरी नॉट डिसाइडेड, नॉट डिसाइडेड, वी हैव स्टार्टेड द प्रेपरेशन, तो प्रेपरेशन शुरू हो गई है, हम लोग शूटिंग शुरू करेंगे अक्टूबर में। अभी 6 महीना मेरा प्रेप चलेगा, मुझे अपना वजन कम करना है टू गेट रेडी फॉर द रोल, सो आई विल बी लूजिंग 20 किलोस। रिलीज अभी तो शुरू होने दीजिए, रिलीज का हम लोग बताएंगे अगले साल होगी। नो आई हैव टू बी वेरी लीन एंड स्लिम इन दिस रोल, वेरी लीन एंड स्लिम, सो आई हैव टू लूज अ लॉट ऑफ वेट। वेल आई ऑलवेज लव्ड फॉरेस्ट गंप एज अ स्क्रिप्ट, इट्स अ वेरी वंडरफुल स्टोरी अबाउट दिस कैरेक्टर एंड इट्स अ वेरी लाइफ अफर्मिंग स्टोरी, इट्स अ वेरी feel good film, it's a film for the whole family, it's a, you know, it's a wonderful story, so I really like it. Chadda bhi na Punjabi ka actually Sardar, ha Sardar Aamir, it's really good transformation in fact, like over the look. Sir, you'll be wearing a turban. Yeah, I will be. In this movie, well, for part of the film, because the story goes a particular way, so you'll see it in the story. Aamir, aisi charcha tha ki aap Mahabharat ki taiyari kar rahe hain, jo aapka dream project hai usko. Main wo aap log iske bare mein rumors phailate rehte hain maine to kabhi kuch bola nahi iske bare mein. Bahut baar passionately hame bataya project ke bare mein, is waqt main yahi kar raha hu, to aap mera dhyan abhi is waqt sirf isi pe hai, Lal Singh Chadda. नहीं मैंने तो कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी, मैंने तो अभी तक एक ही अनाउंसमेंट किया, यही कर रहा हूँ मैं, लाल सिंह चड्ढा। वो उसके लुक पे, जी हाँ लुक पे काम कर रहे हैं हम लोग, वो शेड्यूल के हिसाब से हम लोग वो प्लान करेंगे। नो आई एम नाउ प्रिपेयरिंग फॉर इट। But you always know, like, you know, you go into the character, the way it looks and more, जो जितना real लगे वो आप करते हो। कोशिश मेरी वो वही रहेगी इस दफा भी। Amir, there's so many stars and directors venturing onto, you know, on web, digital platform. Do you have any plan? Well, right now no, but it's a great medium. I also love watching shows on the web, and if something nice comes up, I would love to do it. जी मैंने तो कह दिया, मैंने रिप्लाई किया। सबसे पहले आप सर क्या बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे? सर मैं किसी के लिए नहीं करता। यंग वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्या अपील रहेगी कि कैसे वोट करना चाहिए फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए? मैं एक्चुअली कभी किसी को बताता नहीं कैसे वोट करना चाहिए, हर हिंदुस्तानी खुद समझदार है, वो खुद सोच समझ के वोट करेगा। उनके लिए क्या ज़रूरी है, क्या मुद्दे ज़रूरी हैं, हम सब के लिए, मतलब हर आदमी सोचता है कि मेरे लिए कौन सा मुद्दा ज़रूरी है, और वो अपने मुद्दे, जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनके हिसाब से, उनको मद्देनज़र रख के वो अपना वोट देता है। और ज़रूरी ये है कि हमें हर कोई ये वोट दे, हर कोई आगे आए, वक्त निकाले और वोट दे। आमिर,
लाल सिंह चड्ढा विल बी अ लीन कैरेक्टर नाउ लाइक यू आर इन अ हां जब मैं शूटिंग नहीं करता हूं तो मैं थोड़ा लेजी हूं थोड़ा मैं मोटा हो जाता हूं कितना लेकिन डाउन करना पड़ेगा मैं करीबन 20 किलो कम करने वाला हूं हां इस रोल के लिए आमिर वोटिंग के एक बार और बात 6 महीने का टाइम है आमिर वोटिंग के एक बार और बात करें कि बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो कभी जॉब की वजह से अलग-अलग जगह चले जाते हैं उसको भी अब बहुत सारे मीडिया हाउसेस एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों ने उसके लिए आवाज उठाई है जी कैन यू सजेस्ट समथिंग और व्हाट इज योर टेक ऑन दिस आई थिंक एवरी इंडियन शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू वोट एंड अगर कुछ इंडियंस हैं जो हिंदुस्तान से बाहर हैं उस वक्त या ट्रैवल कर रहे हैं या कोई उनकी और दिक्कत है शायद तबीयत ठीक नहीं है तो शायद इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में सोचकर कोई उपाय निकालना चाहिए ताकि हर हिंदुस्तानी को मौका मिले कि वो वोट कर सके क्या उपाय है वो नहीं बता सकता मैं वो इलेक्शन कमीशन सोचेगा हर बार हम पानी फाउंडेशन की बात करते हैं कब आमिर को देखेंगे हां मेरे आपके डायरेक्शन अब मैं काम कर रही हूँ एक स्क्रिप्ट पर तो देखते हैं ये फिट होते हैं कि नहीं मुझे स्क्रीन टेस्ट फिर से देना पड़ेगा वो वसीला लगा पानी फाउंडेशन डूइंग वेरी फैंटास्टिक ऑल ऑफ पॉलिटिशियन पीपल आल्सो अप्रिशिएटेड योर वर्क हाउ डू सी एंड यू आर अनाउंसिंग समथिंग न्यू आल्सो वेल पानी फाउंडेशन का काम बड़ा अच्छा चल रहा है और ये हमारा चौथा साल है इस वक्त पूरी तैयारी चल रही है गांव वाले जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं पानलोड के काम में और इस साल भी पिछले साल तो 20,000 से ज़्यादा लोगों की ट्रेनिंग हुई थी फरवरी और मार्च के महीनों में और इस साल भी हम सोच रहे हैं कि 20 से ज़्यादा ही होगा 4,000 गांव ने पिछले साल ट्रेनिंग ली थी इस साल शायद 7,200 तो वी आर थिंकिंग के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ट्रेनिंग हो इस साल नॉर्मली ट्रेनिंग में हर ट्रेनिंग सेशन में 40 लोग होते हैं इस दफ़ा लोड बढ़ गया है प्रेशर बढ़ गया है तो 50 लोग हैं हर ट्रेनिंग सेशन में और ये मुझे रिपोर्ट मिली है तो एक्साइटमेंट बहुत है गांव वालों में और हम चाहेंगे कि हर एक गांव पूरी शक्ति अपना पूरा जोर लगा दे इस साल क्योंकि पिछले साल बारिश अच्छी नहीं हुई थी और ये जब बारिश अच्छी नहीं होती तो और भी ज़रूरी होता है कि हम पानलोड का काम सही करें तो जितने ज़्यादा गांव इसमें शामिल होंगे जितना ज़्यादा लोग इसमें काम करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा सभी गांव को होगा और इस साल भी किरण जी और मैं अप्रैल और मई के महीने में गांव-गांव जाके लोगों के साथ काम करेंगे जिसे हर साल हम करते हैं और वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सीखने का मौका भी होता है और हमको बड़ा मज़ा भी आता है हम आप लोगों को भी न्योता देंगे आप लोग आइए 8 अप्रैल से 22 मई तक आप प्लीज आइए हमारे साथ घूमिए महाराष्ट्र में या प्लीज कम इनफैक्ट ऑन 1st मई वी डू अ वेरी बिग महाश्रमदान तो 1st मई यू ऑल कैन अप्लाई इन महाराष्ट्र डे इट्स अ डे व्हेन एवरीवन इज वेलकम टू कम टू द विलेजेस एंड वर्क एंड इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड आप ऑनलाइन जाके रजिस्टर करेंगे दे विल एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू हाउ टू कम वेयर टू कम हाउ टू डू हाँ पहले हम लोग रूरल महाराष्ट्र पे ध्यान दे रहे हैं स्पेशली द बेल्ट विच इज ड्राउट अफेक्टेड एरियाज जो हैं तो एक दफा वो कवर हो जाए फिर हम सिटीज पे आ सकते हैं आमिर एक सवाल आपने शाहरुख खान को रेकमेंड की थी सारे जहां से अच्छा अब शाहरुख खान की वो फिल्म नहीं कर रहे हैं जी आगे फ्यूचर में आपको वो फिल्म दोबारा ऑफर की जाती है तो आप करेंगे क्या अभी तो मैं ये कर रहा हूँ लाल सिंह चड्ढा एक वक्त में मैं एक ही कर पाता हूँ हाँ आगे का मैंने सोचा नहीं है आगे का आपका सबसे यादगार बर्थडे हाँ एक्चुअली बर्थडे मुझे इतने याद रहते नहीं है तो किरण जी व्हेन वाज दैट 2004 2005 वी गॉट मैरिड बट वी वर टुगेदर इन 2004 एंड 3 क्लियरली मुझे याद नहीं है किरण जी ने आपको क्या गिफ्ट दिया किरण जी ने आपको किरण जी ने क्या गिफ्ट दिया अरे आमोस आमोस यहां है नहीं सर क्या वो मेरे कमरे में जो पेंटिंग्स रखी है वो लेके आओ मैं दिखाता हूं आप लोग आमिर टेलीविजन तो मैं सुबह उठा तो मेरे लिए गिफ्ट बेड पे था और आज़ाद ने कुछ 4-5 पेंटिंग्स बनाई हैं जो आज़ाद ने मुझे दी हैं और एक ड्राइंग किरण ने बनाई है मेरे लिए शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट अरे नहीं हाँ
तो आजाद ने और किरण ने मेरे लिए पेंटिंग्स बना के दिया है मुझे. जुनैद ने तो कुछ नहीं दिया अभी तक और आयरा तो बाहर गाँव है, पूछूंगा उनसे मैं. उनके करियर को लेकर एज अ पेरेंट जैसे आजाद के अभी आपने तो उनके करियर को लेकर फिल्मी आर यू थिंकिंग आर यू प्लानिंग वो उनका डिसीजन है जैसा जुनैद और आयरा सोचे हैं जैसे वो करें उनका डिसीजन है जैसे वो डिसाइड करेंगे आपको पता चल जाएगा. पिछले बर्थडे पे सर इंस्टाग्राम पे आए थे, पिछले बर्थडे पे इंस्टाग्राम से ओपनिंग किया था आपने, तो इस साल भी कोई नया एप्लीकेशन के बारे में सोचा आपने? नहीं और कोई है नया एप्लीकेशन? बहुत सारे हैं सर एक्चुअली. मैं इतना और कोई है? बहुत सारे एक्चुअली. मैं आपको सच बात बताऊँ, ये सोशल मीडिया पे मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ क्योंकि मैं अपने जिंदगी में रहता हूँ, अपनी लाइफ में रहता हूँ, मैं भूल जाता हूँ और मुझे याद नहीं रहता सोशल मीडिया पे कनेक्ट करने के लिए. तो कभी कभी करता हूँ मैं. मैं सोचता हूँ कि आप लोग हैं और आप लोग यू आर अ वंडरफुल ब्रिज बिटवीन मी एंड माय फैंस, तो आप लोग ही कम्युनिकेट करते हैं मेरे लिए. आपके आपके जरिए ही मैं अपने फैंस से कम्युनिकेट करता हूँ. जी कितना किरण जी नहीं है, मेरे डाइटिशियन है डॉक्टर धुरंधर, वो मेरा डाइट बनाते हैं और किरण जी देखती हैं कि वो ठीक ठाक मुझे दिया जाए. अरे और बहुत टेस्टी डाइट है इस बार इनका, देख के सबके मुंह में पानी आता है. हाँ बताओ बताइए बताइए आमिर बताइए क्या है. सॉरी सॉरी कर दिया क्या 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 मसूद अजहर को. हाँ 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 अरे बर्थडे के दिन आप लोग टेररिज्म की क्या बात कर रहे हैं यार. आपकी फिल्म लगान ऑस्कर तक गई, आप एज अ गेस्ट भी वहाँ पर गए हुए बहुत बार, तो जब एक डॉक्यूमेंट्री बहुत सारी फिल्मों को पछाड़ के जब डील करती है तो एज अ फिल्म मेकर एज अ प्रोड्यूसर एज अ सिनेमा लवर व्हाट्स योर मतलब ओवरऑल व्यू अबाउट सीन. मैं समझा नहीं डॉक्यूमेंट्री क्या. डॉक्यूमेंट्री को अभी मिला ना ऑस्कर पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस. ओह सब फिल्मों को पछाड़ के मतलब. अच्छा इंडियन डॉक्यूमेंट्री वन इट्स नॉट इंडियन, इट वाज मेड बाय एन अमेरिकन डायरेक्टर बट इट्स को प्रोड्यूस्ड बाय अबाउट इंडिया अबाउट इट्स सेट इन इंडिया इट्स अबाउट इट्स विलेज. हां देखिए मुझे लगता है कि जो फिल्म अच्छी है उसको जीतना चाहिए और मैं जैसे कि आप लोगों को पता है मैं अवार्ड्स को इतना सीरियसली लेता नहीं हूं. हां Sorry? You will come to know all that soon, very soon.